Hello and welcome all of you, and you're watching K Commerce Academy with me, Kunal Singhal. Fundamentals of Partnership की सीरीज में फोर्थ वीडियो, और आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट इन कैपिटल. बिफोर स्टार्टिंग दैट, कल का होमवर्क के लिए एक बार बात कर लेते हैं. सो फोर स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर होमवर्क, मोहित, अंतरिक्ष, आदित्य एंड शिल्पा. इतना मुश्किल तो नहीं था, फिर भी थोड़ी डिफिकल्टी आप लोगों को आई कल के क्वेश्चन को करने में. तो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज टॉपिक, मैं कल के क्वेश्चन को एक बार डिस्कस करूंगा आपके साथ में. हमारा जो क्वेश्चन था, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना था. बाकी चीज़ें तो सारी सेम थी, बस जो मेन इसमें एक इशू था, जेड सैलरी. जो प्रॉफिट आपको गिवन है कितना है, 4 लाख रुपीज़ का. तो ये लास्ट सेंटेंस में रीड कर रहा हूँ, एक बार देखिए. प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी वॉज रुपीज़ 4 लाख. तो हमें जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे, तो उसमें जो प्रॉफिट आप लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, 4,24,000, क्योंकि जेड की सैलरी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है. और जब आप यहाँ पे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में, तो उसमें वो सैलरी ऑफ जेड एडबैक करने के बाद वाला प्रॉफिट लिखेंगे. उसके बाद तो सिंपल था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर्स के कैलकुलेट कर लिए एट द रेट ऑफ व्हाटएवर स्पेसिफाइड रेट, 10% गिवन है क्वेश्चन में. जेड को सैलरी दे दिया. अब यहाँ पे एक और छोटा सा चेंज था, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट. और ये जो हमने ट्रांसफर किया है, एक्सिस करंट अकाउंट, वाइज करंट अकाउंट एंड जेड्स करंट अकाउंट. मेन चीज़ क्या है, कैपिटल अकाउंट ना लिख के हमने यहाँ पे लिखे हैं करंट अकाउंट. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था they are following the fixed capital method. उसमें लिखा हुआ था x, y and z has the fixed capitals. जहाँ पे fixed capital method होता है, तो हम capital account का use ना करके current account का use करते हैं. तो बस ये दो changes question में थे, एक तो capital account की जगह current account हमें open करने थे, और दूसरा हमें जो z का salary था वो profit में add back करके लिखना था. ठीक है, तो अब शुरू करते हैं आज के topic से, interest on capital. तो आप लोगों को याद हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा है. पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफाइज दैट इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू एनी ऑफ द पार्टनर. लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में, यानी कि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन है, तो ऑब्वियसली हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को अलाउ करेंगे. वो तो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड की बात है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे. तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपको कैलकुलेट करना है, ये हमेशा कैलकुलेट होता है ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल. अब हमारे पास में दो मेथड होते हैं कैपिटल के, एक फिक्स कैपिटल मेथड, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. फिक्स कैपिटल मेथड में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि जो ओपनिंग कैपिटल होगा वही क्लोजिंग कैपिटल होगा. ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल में कोई चेंज ही नहीं आएगा, कैपिटल विल ऑलवेज रिमेन द फिक्स. तो आप किसी भी कैपिटल पे कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है, उसमें ओपनिंग कैपिटल आपका कुछ अलग हो सकता है और क्लोजिंग कैपिटल चेंज हो सकता है, क्योंकि उसमें आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर दिया है, ड्राइंग्स आपने उसमें से डिडक्ट कर दिए हैं, प्रॉफिट आपने उसमें ऐड कर दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसमें से डिडक्ट कर दिया है, तो आपका जो क्लोजिंग कैपिटल है वो चेंज हो सकता है. तो हमारा रूल क्या चलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल टुगेदर विद द एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड. अगर हमने ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड कोई एडिशनल कैपिटल ऐड किया, तो उस पर भी कैलकुलेट होगा. अदरवाइज मेन चीज़ जो याद रखनी है वो ये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी कैलकुलेट करेंगे हम ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करेंगे. अगर क्वेश्चन में आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल दोनों दे रखे हैं, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल को यूज़ करेंगे. अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, तो पहले हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करके और उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करेंगे. क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ चीज़ें उसमें ऐड करनी है और कुछ चीज़ें हमें लेस करनी है. क्लोजिंग कैपिटल में हम ड्रॉइंग्स ऐड करेंगे, लॉस अगर कोई है वो भी ऐड बैक करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी ऐड होगा, और दो आइटम्स लेस करनी है. एक तो एडिशनल कैपिटल अगर कोई इंट्रोड्यूस किया वो लेस हो जाएगा, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग से कैलकुलेट होगा फॉर द पर्टिकुलर नंबर ऑफ मंथ्स, और अगर कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो भी लेस हो जाएगा. ड्रॉइंग्स, लॉस एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐड करना है, एडिशनल कैपिटल एंड प्रॉफिट लेस करना है,
तो हमारे पास जो आएगा वो होगा ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। समझते हैं इसको एक क्वेश्चन से। ए एंड बी आर टू पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल्स एज ऑन 31 मार्च 2020, यानी क्लोजिंग डेट, ए रुपीज़ 5,50,000 एंड बी रुपीज़ 3,50,000। ड्रॉइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ए रुपीज़ 50,000 एंड बी रुपीज़ 10,000। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। हमें इसमें क्या दे रखा है, क्लोजिंग कैपिटल्स दे रखे हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है ओपनिंग कैपिटल। अप्लाई करते हैं क्लोजिंग कैपिटल, ए का 5,50,000, बी का 3,50,000। ऐड ड्रॉइंग्स, मैंने आपको बताया था तीन चीज़ें ऐड करनी है आपको, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड लॉस, ये तीन चीज़ें ऐड करते हैं। तो हमने ड्रॉइंग्स ऐड कर दिया, उसके बाद में हमारे पास जो बचा है वो है ओपनिंग कैपिटल 6,00,000 एंड 3,60,000। इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई किया ₹60,000 एंड ₹36,000। वीडियो को पॉज करें और इस रूल को अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल टुगेदर विद एडिशनल कैपिटल इफ एनी इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग करंट अकाउंटिंग पीरियड। एक बार जनरल एंट्रीज भी रिकॉल कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। दो जनरल एंट्रीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हमें करनी होती हैं। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और फिर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर होगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फर्स्ट एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्यों डेबिट किया, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्यों क्रेडिट किया, बिकॉज वेन एवर एनीथिंग इज टू बी गिवन टू अ पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। एंड फाइनली इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। और अब बारी है होमवर्क की। आज मैं आपको होमवर्क में दो क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक तो जो क्वेश्चन मैंने कल दिया था, दोबारा से उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा उसमें चेंज करके, कल हमने उसमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, आज हमें उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाने हैं। उसमें मैंने चेंज क्या किया है, मैंने आपको एक्स वाई एंड जेड के करंट अकाउंट बैलेंसेज दे दिए हैं। इसके बेसिस पे आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाने हैं। और इसके बाद में आज के टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को एक बार आप पहले पूरा समझ लीजिए। राम एंड मदन आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, देयर कैपिटल्स एट द एंड, क्लोजिंग कैपिटल की बात कर रहा है, ऑफ द ईयर वर ₹24,000 एंड ₹18,000 रेस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द ईयर राम्स ड्रॉइंग्स एंड मोहन्स ड्रॉइंग्स वर ₹4,000 एंड ₹6,000 रेस्पेक्टिवली। हमें पता है कि हमें जब क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पर जाना होता है तो हम ड्रॉइंग्स को ऐड बैक करते हैं। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹16,000। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, और उसके लिए हमें पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन बात यह आती है कि ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आप इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट करेंगे। एक तो नज़र आ रहा है ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स आप क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे, क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स ऐड बैक हो जाएगा। एक आइटम और है जो हिडन है, क्या, प्रॉफिट। यहाँ पे जो दिया है प्रॉफिट 16,000, अच्छा इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना नज़र आ रहा है आपको, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल, क्योंकि जब कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होता है तो हम क्या लेके चलते हैं, 1:1, दैट इज़ इक्वल पार्टनर्स। तो इस 16,000 के टोटल प्रॉफिट जो था ये भी हमने इन पार्टनर्स को दिया जा चुका है, किस रेशियो में, 1:1, यानी कि 8,000 टू ईच पार्टनर। तो यहाँ क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में जाने के लिए आपको दो एडजस्टमेंट करने हैं। एक तो आपको ड्रॉइंग्स एडबैक करना है, और जो प्रॉफिट आप उन्हें दे चुके हैं वो आपको उसमें से डिडक्ट करना है, तब आपके पास ओपनिंग कैपिटल आएंगे, और उसके ऊपर आप फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्लाई करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। होमवर्क करें और जल्दी से जल्दी सबमिट करें। बेस्ट एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है, फिर भी अगर कोई क्वेरी, कोई डाउट माइंड में बचा है तो आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, और चाहें तो डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।